Assalamualaikum guys, this is Bushra Muslim from Think Higher Consultants. I am here to tell you regarding the visitor visa subclass 600. And as you guys already know, there is a pandemic COVID-19 over the world, and everyone is so concerned regarding their visitor visas. So don't get worried about your visitor visa extensions. We are here to help you out. First of all, I just wanted to tell you कि जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं और जिनका विजिटर वीज़ा जो है वो एक्सपायर होने वाला है, लाइक उनका स्टे पीरियड 3 मंथ्स का था और वो 3 मंथ्स एक्सपायर होने वाला है, तो डोंट गेट वरीड अबाउट डैट. आप अपने एक्सटेंशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन इज गिविंग वेवियर डेट्स. आप अपने वेवियर के लिए जो है वो अप्लाई करवाएं. हम यहाँ पर आपके हेल्प करने के लिए बैठे हैं. हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इन क्वारंटाइन डेज में. सो आपको रिक्वायरमेंट्स कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं. अपने एक्सटेंशन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट होगा, आपके NIC होगा, जो डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल आपने एट अ टाइम ऑफ योर वीज़ा अप्लाई करते हुए सबमिट कराएं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. एंड यू विल अप्लाई फॉर योर एक्सटेंशन, एंड इमिग्रेशन इज गिविंग एक्सटेंशन डेट्स फॉर विजिटर वीज़ा एज वेल. ओके, कमिंग बैक टू द विजिटर वीज़ा सब क्लास 600, देयर आर सम स्ट्रीम्स इन विजिटर वीज़ा, जैसे कि टूरिस्ट स्ट्रीम, बिजनेस स्ट्रीम, स्पॉन्सर फैमिली स्ट्रीम. टूरिस्ट स्ट्रीम इज़ फॉर द पीपल हु वांटेड टू विजिट ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर हॉलीडेज और स्पेंडिंग देयर वेकेशंस. एंड बिजनेस स्ट्रीम इज़ फॉर दोज हु वांटेड टू गो फॉर शॉर्ट बिजनेस विजिट, to visit some business industries and all. And sponsor visa is for these people going Australia to visit their family. Most people apply for the tourist stream, and there are some requirements for it. Everyone is eligible who have the funds, enough funds of like 6 to 7 thousand AUD. they can apply for. financial documents के लिए हमें ज़्यादा कोई इतनी नीड नहीं होती है. आपको जो है अपना बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ता है. बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको एक वैलिड जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए अपने बैंक से कि आप जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपना बैंक अकाउंट. अपनी पूरी स्टेटमेंट निकलवाएं 3 मंथ्स की या फिर 2 मंथ्स की. उसके बाद आपको एक इशू कराना होता है कि यू आर गोइंग टेम्पररी टू ऑस्ट्रेलिया एंड विल रिटर्न बैक टू योर होम टाउन. ओके, तो उसके लिए आप अपने स्ट्रॉन्ग टाइज इस तरीके से शो करते हैं, जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं अपने होम कंट्री में, तो यू नीड टू शो योर एम्प्लॉयमेंट लेटर, योर पे स्लिप्स, टू शो डैट यू आर हैविंग अ वैलिड रीज़न टू कम बैक. इफ़ यू आर मैरिड, यू कैन शो योर मैरिज सर्टिफिकेट, योर वाइफ्स डॉक्यूमेंट्स, योर वाइफ्स पासपोर्ट एंड योर चिल्ड्रंस पासपोर्ट एक्सेट्रा. ओके, विजिटर वीज़ा की जो है एज सच रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पासपोर्ट हो गया, NIC हो गया, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक स्टेट डिक्लेरेशन बनता है. अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो उसकी तरफ से आपको एक स्टेट डिक्लेरेशन बनाना पड़ता है. वो आपको मोस्ट प्रोबेबली हम ही बना के देंगे, सो डोंट गेट वरीड अबाउट डैट ऑल. विजिटर वीज़ा की जो फीस है, इट इज़ $145 एंड फॉर ऑन शोर्स हु आर अप्लाइंग फॉर देयर एक्सटेंशन इट इज़ $365. सो वी आर हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर योर विजिटर वीज़ा एक्सटेंशंस. जिनके भी स्टे पीरियड्स ख़त्म होने वाले हैं विजिटर वीज़ा के और वो चाहते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लाइट बैन हुआ हुआ है और ट्रैवल बैन हुई हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन अपना अप्लाई करवाएं जल्द अज जल्द. और गिविन नंबर्स हमारे आपके पास हैं, आप यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. ये एक शॉर्ट इंट्रो था विजिटर वीज़ा का. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम यू गाइज. थैंक यू सो मच.